अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल क्विज नंबर ग्रेडेड क्विज नंबर 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsala@gmail.com। यहाँ पे दो सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगी इस क्विज के, और दोनों जो हैं वो मैंने पेड किए हैं स्टूडेंट के। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि वी मेक एनी फंक्शन कांस्टेंट बाय यूजिंग। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन है अगर उसको हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है कि कीवर्ड कॉन्स्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कि अगर किसी फंक्शन को हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो क्या कीवर्ड कॉन्स्ट जो है वो हम फंक्शन डिक्लेरेशन की रिटर्न टाइप के बाद लगाएंगे, या फिर कीवर्ड कॉन्स्ट जो है वो हम पैरामीटर लिस्ट के दरमियान में लगाएंगे, या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड जो है उसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन के बिगनिंग यानी कि स्टार्ट पे लगाएंगे, या फिर कीवर्ड कॉन्स्ट जो है उसको हम पैरामीटर लिस्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम किसी फंक्शन को हमने कॉन्स्टेंट बनाना होता है तो उसके लिए हम उस फंक्शन की पैरामीटर जो लिस्ट होती है उसके बाद कीवर्ड कॉन्स्ट लिख देते हैं। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, कि यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, बेस्ट डिफाइन कर रही है क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर्स को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट है कि डेटा मेंबर विद ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ओके, डेटा मेंबर विच इज़ कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, डाटा मेंबर विच इज़ एलोकेटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली और कॉमन टू ऑल क्लासेस। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास जो हैं वो क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि डाटा मेंबर विच इज़ कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास वो स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास होता है। इसका यहाँ पे रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर बी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था वही इसका आंसर जो है वो 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड है। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ठीक है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सिक्योरिटी ऑफ डाटा से डील करता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जनरलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस या फिर डाटा हाइडिंग। तो डाटा हाइडिंग जो है ये इनकैप्सुलेशन में हम डाटा हाइड करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन जो है वो सिक्योरिटी ऑफ डाटा का कॉन्सेप्ट देती है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा हाइडिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन OOP मॉडल इज़ नॉन एज डैश। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो उनकी इस इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, उनकी इन इस लिंक को जो एक दूसरे से वो लिंक कर रहे एक दूसरे से उनकी इंट्रैक्शन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, एसोसिएशन। नेक्स्ट वन है कि अ क्लासरूम क्लास होल्ड स्टूडेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा रिलेशनशिप जो है जो इस स्टेटमेंट को करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो हमने बताना है। तो क्लासरूम जो है वो होल्ड करती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट के बगैर तो क्लासरूम जो है क्लास जो है वो क्लासरूम नहीं होगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंपोजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आंसर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज़ अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो एक वे है, एक तरीका है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को विजुअलाइज करने का इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो जो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा और मेथड्स को, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा, डेटा एंड मेथड्स। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के लिए यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है वो हमने बतानी है, यानी कि
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिस्ट्रक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर रही, वो स्टेटमेंट हमने बतानी है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं कि क्या है कि डिस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन विद द सेम नेम। तो ये तो ट्रू है कि डिस्ट्रक्टर का फंक्शन वही होता है जो नेम ऑफ द क्लास होता है, ठीक है, बट प्रिसीडेड विद टिल्डा वॉइडर, ठीक है। ये यहाँ से स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो गई, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड नहीं होती डिस्ट्रक्टर की, ठीक है। डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर की होती है, लेकिन डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इट्स मीन कि ये हमारा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, और यही हमने बताना था कि डिस्ट्रक्टर के हवाले से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो रॉन्ग है, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर वन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूट द एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो हमने बताना है कि एम्प्लॉय क्लास का एट्रीब्यूट इनमें से कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है कोरस, रोल नंबर, सैलरी और जीपीए। अब यहाँ पे देखें, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास नहीं है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास होती तो हम कहते हैं कि कोरस, रोल नंबर और जीपीए जो है ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉई जो है जो कहीं पे काम कर रहा है, किसी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, उसके ना तो उसका रोल नंबर होगा, ना जीपीए होगा, ना ही उसका कोर्स होगा, ठीक है, उसकी सैलरी ज़रूर होगी, ठीक है। इट्स मीन कि एम्प्लॉय क्लास का जो एट्रीब्यूट यहाँ पे गिवन है वो है सैलरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, सैलरी। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास एमसीक्यूज, देयर आर टू क्लासेस कैट एंड डॉग, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक कैट की है एक डॉग की। बिहेवियर ऑफ कैट, कैट के बिहेवियर्स क्या हैं कि वो ईट, कैट क्लास जो है उसका बिहेवियर है कि वो ईट करती है और मियाओ करती है, ठीक है, और डॉग का जो बिहेवियर है वो है बार्क करना और ईट करना, ठीक है। अब बताना है हमने कि विच ऑफ़ द अबव बिहेवियर, कि इनमें से कैट के भी दो बिहेवियर हमें बताए गए, ईट और मियाओ, ठीक है, और डॉग के भी दो बिहेवियर बताए गए, ईट और बार्क। तो हमने बताना है कि कौन सा बिहेवियर जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एज अ जनरलाइजेशन एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जनरलाइजेशन, जनरल चीज़ वही होती है जो कॉमन हो, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप मैथ के क्वेश्चन कर रही हैं तो उसमें अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर जो है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जनरलाइजेशन टर्म होती है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि दोनों क्लासेस में हमारे पास एक कैट की क्लास है, एक डॉग की, दोनों क्लासेस में जो टर्म कॉमन है, जो बिहेवियर कॉमन है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी ईट है और यहाँ पे भी ईट है दोनों, ठीक है। तो इस यानी कि ईट जो बिहेवियर है उसको हम जनरलाइजेशन के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ईट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा एक सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है सी एस 304 ग्रेडेड क्विज नंबर वन का, ठीक है। तो सेकंड सोल्यूशन जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या है, उसमें हमसे क्या एमसीक्यूज पूछे गए हैं। सेकंड सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है irsala.akhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं क्विज को। इसमें भी वहाँ पे ये देखें, जो हमारा पहला सोल्यूशन था उसमें हमारा 10 वाला एमसीक्यूज़ ये वाला था, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ दिया गया है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था कि हम जनरलाइजेशन के लिए कौन सी क्लास लेंगे, ईट की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ईट। नेक्स्ट वन है कि इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन डबल ओ पी मॉडल इज नॉन एज, ठीक है, कि डबल ओ पी मॉडल में इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे टू डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एज अ पब्लिक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ वेज गिवन है, कुछ सिंटैक्सिस क्लास की गिवन है। तो हमने बताना है कि क्लास के पब्लिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो पब्लिक वेरिएबल्स हैं, उनको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उनका कौन सा सिंटैक्स जो है इनमें से करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्लास, पब्लिक, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले क्लास और क्लास का नेम स्टूडेंट आएगा, पब्लिक बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि क्लास, स्टूडेंट, ये तो ठीक है, लेकिन पब्लिक जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा, पब्लिक से पहले ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट के अंदर आप पब्लिक कॉलन लिखेंगे, ठीक है।
इट्स मीन कि हमारा यहाँ भी ये जो सिंटैक्स है ये करेक्ट है क्लास के पब्लिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। पहले हम क्लास लिखते हैं क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नेम स्टूडेंट, और फिर ब्रैकेट लगा के तो हम अंदर जो है पब्लिक कीवर्ड लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं और अपना एट्रीब्यूट जो है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि फॉलोइंग कोड इज इक्विवेलेंट टू विच ऑप्शन, क्लास शेप स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो CS304 के और भी मैंने क्विज जो है वो किए हैं, तो ज़्यादातर जो है वो प्रोग्रामिंग के कोडिंग के MCQs पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्विज जो है पेड क्विज करवाना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं है क्विज की पेड क्विज करवाना चाहते हैं, तो हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं islakhtar@gmail.com। 150 पर क्विज। तो स्टार्ट करती हैं। हाँ, क्या है इसमें कि क्लास हमारी शेप है, स्ट्रिंग इंट हमें गिवन है, तो हमने बताना है कि इस कोड के इक्विवेलेंट यहाँ से कौन सा कोड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लास है उसमें अगर कोई भी स्पेसिफायर जो है वो नहीं डिफाइन किया गया होता, तो फिर क्लास का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है प्राइवेट, ठीक है। तो क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है ये भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो मैं बता देती हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर जो होती हैं वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इस तरह से जो हैं ये और क्लास स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, इट्स मीन कि जब क्लास का कोई एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होगा। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है क्लास का वो प्राइवेट होता है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारे पास प्राइवेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें, यह आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन MCQs, देखते हैं कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डाटा, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वह डील करता है, वो है डाटा हाइडिंग, यानी कि इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में डाटा हाइड हो जाता है, तो ये हमारा सिक्योरिटी ऑफ डाटा से डील करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज द वे ऑफ विजुअलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट डाटा एंड मेथड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है चेयर इज आर डैश ऑब्जेक्ट एंड पेटेंट इज आर डैश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये पेटेंट है, पेडेंट नहीं, ठीक है। पेडेंट और है और ये पेटेंट है, ठीक है। तो चेयर जो है वो टेंजिबल है, इंटेंजिबल, ठीक है, ये हमने बताना है। और पेटेंट जो है वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल, ये हमने बताना है। तो चेयर जो है टेंजिबल कौन सी चीज़ होती है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारे पास टेंजिबल चीज़ होती है। विजिबल जो चीज़ होती है वो टेंजिबल होती है, ठीक है। और जिसको हम छू नहीं सकते, जो विजिबल नहीं होती, ठीक है, वो हमारे पास होती है पेटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर जो है वो टेंजिबल है, टेंजिबल, ठीक है, और पेटेंट जो है वो इनटेंजिबल है। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेयर इज अ टेंजिबल एंड पेटेंट इज अ इनटेंजिबल। नेक्स्ट वन है क्लासरूम क्लास होल्ड्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पे कंपोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कंपोजिशन। नेक्स्ट वन है कि कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर द वंस डेट आर यूज टू परफॉर्म डैश ऑपरेशन ऑन डाटा मेंबर। तो कॉन्स्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जस्ट रीड ओनली होते हैं, ना उनको अपडेट कर सकते हैं, ना हम उनको राइट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हैं। तो वो पूरे प्रोग्राम की लाइफ में कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, उनको जस्ट हम रीड कर सकते हैं, ना तो उनको हम राइट कर सकते हैं, ना ही अपडेट कर सकते हैं। तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, रीड ओनली ऑपरेशंस। लास्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम अचीव करते हैं इनकैप्सुलेशन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं। अगर पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो islakhtar@gmail.com ID पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपना क्विज जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। 100% मार्क्स जो हैं वो 9 या 10 जो है श्योरिटी के साथ आएंगे।